हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चने की दाल से कढ़ी की रेसिपी आज बता रही हूँ। इसमें चने की दाल को मैंने रात में भिगो लिया था और सुबह में इसे पीस कर थोड़ा फेंट लिया है। थोड़ा मिला लिए हैं चने की दाल को। मिलाने से ये थोड़ा हल्का हो जाता है और इसके पकोड़े सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर। अब इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे, जिसमें थोड़ा मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा काला मसाला पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। डालकर इसे मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिला देंगे, सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। फिर ये देखिए, हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें आयरन की कढ़ाई मैंने ली हूँ। इसमें हम तेल डालेंगे, जो तेल भी हम घर में खाते हैं, सरसों का तेल या रिफाइंड तेल, जिसमें भी आप पकोड़े बनाना चाहें। ये हमारा बैटर है, इसका हम पकोड़ा बना लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें पकोड़े छानेंगे। धीरे धीरे आराम से डालेंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़े छान कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे पकौड़े छान कर तैयार हो गए हैं। अब एक बर्तन में हम दही और बेसन लेंगे। इसमें दही हमारा आधा किलो है और 2 कलछुल बेसन है। इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए, हम गंज लिए हैं, इसमें तेल डालें, सरसों का तेल। अब तेल हमारा गर्म हो चला है। इसमें हम थोड़ा करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ता से स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ा तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ा खड़ा लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें साबुत जीरा डालेंगे, इसे हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। कुटा हुआ लहसुन डालने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। काट कर लहसुन डालने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसमें आता है, कुटा हुआ लहसुन डालने से। लहसुन को हल्का लाल होने तक हम भून लेंगे। ये देखिए, लहसुन हमारा हल्का लाल हो चला है, भुन चला है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, आँच कम कर लेंगे, फ्लेम कम कर लेंगे, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा और गरम मसाला, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पर ही मसाले डालेंगे, तेज आंच पर डालने से हमारे मसाले जल भी सकते हैं। अब हम इसमें जो दही और बेसन का घोल तैयार किए थे, उसे हम इसमें डाल देंगे।
थोड़ा और पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। अब हम फ्लेम फुल पे कर लेंगे, हाई कर लेंगे, तेज आंच पर हम कढ़ी बनाएंगे। इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कढ़ी को हम लगातार चलाते हुए बनाएंगे। जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम कढ़ी को लगातार ना चलाएं तो बेसन हमारे तली पर जमा होने लगता है, जिससे उससे स्वाद हमारे कढ़ी में अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि बेसन नीचे जाकर बैठ जाता है। तो अभी ये देखिए पतला लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे पकने पर यह थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हमने इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा उबाल आने लग गया है। लगातार चलाते रहेंगे जब तक बहुत अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए। ये देखिए हमारी कढ़ी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम इसे धीमी आंच कर देंगे। यदि हम फुल आंच पे ही रखेंगे तो हमारी कढ़ी ओफन कर नीचे गिर जाएगी, और ये अगर ओफन करके नीचे गिरा तो इसका स्वाद कम हो जाता है, फिर उतना टेस्टी नहीं लग पाता है कढ़ी। इसलिए अब हम इसे थोड़ी देर धीमी आंच पर उबालेंगे और इसे अभी भी लगातार ही चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है धीमी आंच पर। अब हमारा बेसन अच्छी तरह से पक गया है, इसका ये हमें यही दिखाता है। देखिए तेल और मसाला जो भी कह सकते हैं, ये हमारा ऊपर की ओर छल आ गया है। ये अगर ये आ गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा बेसन कढ़ी अच्छी तरीके से पक गया है। इस स्टेज पर हम अपने पकौड़े को कढ़ी में डालेंगे और ध्यान से डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि हमारा कढ़ी अभी खोल रहा है, खोलता हुआ है। अगर वो एक ही बार तेज़ी से डाल देंगे तो हमारा हाथ जल भी सकता है, इसलिए आराम से डालें। अब हम इस पकौड़े को थोड़ी देर कढ़ी में डाल करके पकने देंगे, खोलने देंगे। कुछ बाहर की आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ इग्नोर इट। ये देखिए हमारा कढ़ी खोल रहा है। बहुत अच्छे से हमारा कढ़ी अब खोलने लग गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और बहुत अच्छे से कढ़ी को ढक देंगे। ढकने से क्या होगा कि हमारे जो कढ़ी बरी हैं वो फूलेंगे भाप से। ये देखिए हम इन्हें अच्छे तरीके से ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए ढका रहने देंगे।
10-15 मिनट के लिए। अब देखिए ये हमारी कढ़ी बन चुकी है, इसमें बरी हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है और देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी कढ़ी। आप भी अपने घर पे बनाइए और मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको इस तरीके से कढ़ी बनाने से कैसा लगा, इसका स्वाद आपको कैसा लगा। ये देखिए हम काट के दिखाते हैं बरी को, पकौड़े को। ये देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर ये फूल चुका है, इसके अंदर कढ़ी का रस जा चुका है, बहुत ही अच्छे से फूल गया है हमारा पकौड़ा। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था।